Hello, namaste, and welcome to Scientia Brainery. Everyone likes the chocolate. Chocolate is a beloved treat. ऐसा कौन है जो चॉकलेट को पसंद नहीं करता है? बच्चों से लेकर बड़ों तक, everyone loves the chocolate. But sometimes your chocolate tastes bad. कई बार क्या होता है कि जो चॉकलेट का जो टेस्ट है, that is sometimes off flavor, या musty या moldy flavor हो जाता है. मतलब एक तरह से बैड फ्लेवर आता है चॉकलेट का. तो वो किस कारण होता है? व्हाट मेक्स योर चॉकलेट मस्टी मोल्डी और फ्लेवर? और चॉकलेट में मेन इंग्रेडिएंट कौन सा है? की इंग्रेडिएंट कौन सा होता है चॉकलेट में? और व्हाट आर द कोकोवा बीन्स क्या होती हैं जो कि मेन इंग्रेडिएंट है चॉकलेट का? तो आज के लेक्चर में वी विल डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट दिस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट योर बीलव्ड ट्रीट. So you can see here that जो चॉकलेट है एक्चुअली उसमें जो मेन इन्ग्रेडियंट है that is made up of from the this cocoa tree. एक्चुअली जो cocoa tree है इसकी जो beans हैं, तो इसकी जो beans हैं इसकी fermentation के बाद, इसकी जो processing के बाद जो चॉकलेट पाउडर है या जो पेस्ट बनाया जाता है that is the main ingredient in your chocolate. तो ये जो cocoa tree है, ठीक है, जो कि ये इसकी beans होती हैं, तो इनको प्रोसेस करके जो वो चॉकलेट पाउडर बनाया जाता है. तो यू कैन सी है दैट चॉकलेट ट्री व्हेन इट इज रेडी फॉर द दिस इज रेडी फॉर द हार्वेस्ट एंड यू कैन सी है दैट कि एक सिंगल बीन में, मतलब सिंगल जो इसका सीड वॉल है उसमें कितने ज़्यादा जो है बीन्स हम हार्वेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जो कोकोवा ट्री है एक्चुअली, सो डैट इज योर थियोब्रोमा कैकाओ. ठीक है, जो कि इसका बोटेनिकल नेम है, डैट इज योर थियोब्रोमा कैकाओ. और इंडिया में ये जो मेनली उगाया जाता है कहाँ पे? जो हमारी सदरन स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तो सदरन स्टेट्स में मेनली ये जो प्लांट जो है वो उगाया जाता है. एंड पर्टिकुलरली अगर इसकी ओरिजिन की बात करें तो ये अमेरिकन ओरिजिन का प्लांट है, बट इंडिया में भी सदरन स्टेट्स में ये काफ़ी मात्रा में उगाया जाता है. तो इसका जो प्रोसेस्ड करते हैं जब हम इसकी कोकोवा बीन्स को, ठीक है, जो ये बीन्स हैं जब इनको प्रोसेस करते हैं तो एक्चुअली हम फर्मेंटेशन करते हैं. तो आफ्टर फर्मेंटेशन और प्रोसेसिंग के बाद जो इसकी बीन्स से जो एक फ्लूड पेस्ट या लिक्विड तैयार किया जाता है, ठीक है, जो कि चॉकलेट पाउडर या चॉकलेट बनाने में हेल्प करता है. तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेन इंग्रेडिएंट होता है चॉकलेट में डेट इज योर कैकाओवा बीन्स होती हैं, ठीक है, जो कि एक थियोब्रोमा कोकोवा होता है. बट कई बार क्या होता है कि इसका जो ऑफ फ्लेवर आता है कई बार चॉकलेट्स में, तो उसका रीजन क्या है? तो यू कैन सी हेयर कि रिसेंटली द साइंटिस्ट ने ये फाइंड आउट किया है, ट्राई टू फाइंड आउट that what makes your chocolate moldy, musty or flavor. So this article, research paper, it has been published in the journal of agricultural and food chemistry. में ये article publish किया गया है. And in this research, the scientists have identified the two major compound identify किए हैं जो कि responsible होते हैं musty flavor के लिए या off flavor के लिए in the chocolate में. So you can see here कि जब हम कोकोवा बीन्स को जब हम प्रोसेस करते हैं, जब हम फर्मेंटेशन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि लंबी प्रोसेस होती है इसकी फर्मेंटेशन की, प्रोसेसिंग की. जो कोकोवा बीन्स होती हैं जब हार्वेस्टिंग करते हैं, पोर्ट की स्टोरेज करते हैं, उसके बाद उसको फर्मेंटेशन के लिए ले जाया जाता है ताकि, ठीक है, उससे डिफरेंट टाइप के फ्लेवर प्रिकर्सर बनाए जाते हैं, उसकी ड्राइंग करते हैं, फिर क्लीनिंग होती है, रोस्टिंग होती है, ठीक है, मतलब फिर बहुत सारी लंबी प्रोसेस है. फिर जो कोकोवा नीब्स होती हैं, फिर फर्मेंटेशन का अल्कलाइजेशन करते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं डिफरेंट दूसरे प्रोडक्ट्स की, तो इसकी जो प्रोसेसिंग के बाद फाइनली हमारे पास जो चॉकलेट पाउडर तैयार होता है, जो कोकोवा पाउडर होता है या कोकोवा का फ्लूड बेस्ड जो पेस्ट जो वो तैयार किया जाता है, तो एक लंबी प्रोसेस चेन के द्वारा, ठीक है. तो जब हम फर्मेंटेड करते हैं, ठीक है, तो जब वो अच्छे तरह से फर्मेंट होगी, जब ये फर्मेंटेशन प्रोसेस जो पूरी अच्छी एक्यूरेटली की जाएगी, तो दैट हैव ए प्लीजेंट स्मेल, ठीक है, विद स्वीट एंड फ्लोरल नोट्स. तो तब तो क्या होगा कि जो कोकोवा बीन्स हैं उनका प्लीजेंट स्मेल होगा, स्वीट स्मेल होगा. बट अगर इस फर्मेंटेशन प्रोसेस अगर ये रॉन्ग हो जाती है, पहले कुछ भी इसमें गड़बड़ होती है या रॉन्ग हो जाती है, तो क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक हो जाता है, या प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन ना हो जहाँ पे इसको फर्मेंटेशन करें या इसको स्टोर करके भी रखा जाता है बीन्स को, वहाँ पे अगर प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन भी नहीं है या पूरी तरह से जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं किया गया है, तो देन देयर इज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक. ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो इसका फर्मेंटेशन के दौरान जो ये जब वो फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार होता है चॉकलेट का,
तो वो एक तरह से ऑफ फ्लेवर आता है उसमें, ठीक है, एक मस्टी मोल्डी ऑफ फ्लेवर आता है, मतलब एक ऑड फ्लेवर, बैड टेस्ट आता है उसका। तो साइंटिस्ट ने दे ट्राई टू फाइंड आउट एक्चुअली विच कंपाउंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बैड फ्लेवर, ठीक है। तो जब उन्होंने एनालिसिस की, जब उन्होंने एक टेक्निक के द्वारा, डेट इज योर गैस क्रोमेटोग्राफी, मतलब जब उन्होंने केमिकल्स जो कंपाउंड है इसमें कोकोवा बीन्स में, तब उन्होंने उसका एनालिसिस किया, तो दे आइडेंटिफाइड द 57 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट या मस्टी फ्लेवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब कोकोवा में बीन्स में फ्लेवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं 57 मॉलिक्यूल्स। तो इन 57 मॉलिक्यूल्स में भी दे आइडेंटिफाइड द टू मेजर कंपाउंड, दो जो मेजर कंपाउंड थे विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑड फ्लेवर। तो वो दो कंपाउंड कौन से थे जो कि ऑड फ्लेवर के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, तो वन वाज योर जियोस्मिन, ठीक है, जियोस्मिन दैट वाज एसोसिएटेड विथ योर मोल्डी एंड बीट रूट ऑडर्स, मतलब एक बैड ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल था योर जियोस्मिन, ठीक है। और दूसरा कंपाउंड था योर 3-methyl-1-H-indol, ठीक है, तो विच वॉज एसोसिएटेड विद योर फीकल एंड मॉथ वाल ऑर्डर्स। तो ये जो दो मेन कंपाउंड है, एक तो हो गया जियोस्मिन और दूसरा हो गया 3-methyl-1-H-indol, तो ये जो दो मेन कंपाउंड है दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑड फ्लेवर इन योर फाइनल एंड प्रोडक्ट, दैट इज योर चॉकलेट, ठीक है। तो जब उन्होंने फाइंड आउट किया फर्दर उन्होंने, तो जो जियोस्मिन है एक्चुअली, जियोस्मिन जो कंपाउंड है एक्चुअली, दैट इज मेनली फाउंड इन द बीन्स के शेल में पाया जाता है, और जो दूसरा कंपाउंड है दैट इज योर 3-methyl-1-H-indol, दैट इज प्राइमरली फाउंड इन द बीन की निब में, ठीक है, जो कि मैन्युफैक्चर्ड होता है इन द चॉकलेट बनाने में एक्चुअली पर्टिकुलरली। तो इसलिए जब ये कंपाउंड की कंसेंट्रेशन, इन दोनों कंपाउंड की कंसेंट्रेशन जो होगी वो ज्यादा होगी, अगर हमारी फर्मेंटेशन प्रोसेस रॉन्ग हो जाती है, स्टोरेज कंडीशन रॉन्ग हो जाती है, तो वो नेचुरली जो हमारा एंड प्रोडक्ट होगा दैट विल यील्ड द ओड फ्लेवर, ओके। तो जब उन्होंने रिकमेंड भी किया कि एक्चुअली इसका जो कंसेंट्रेशन है इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने ये रिकमेंड किया साइंटिस्ट ने कि जो जियोस्मिन है उसका जो कंसेंट्रेशन है That should be, मतलब उसका जो कंसेंट्रेशन है 1.6 माइक्रोग्राम पर केजी ऑफ फर्मेंटेड कोकोवा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए उसका कंसेंट्रेशन जो है, ठीक है, जियोस्मिन का कंसेंट्रेशन जो है 1.6 माइक्रोग्राम पर केजी की बात करें, तो पर केजी में जो फर्मेंटेड कोकोवा होने का जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट होगा उसमें 1.6 माइक्रोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो दूसरा कंपाउंड है 3-methyl-1-H-indol, ठीक है, इसका जो लिमिट है, इसका जो रिकमेंडेड लिमिट है दैट इज 1.1 माइक्रोग्राम पर केजी ऑफ फर्मेंटेड कोकोवा। तो आई होप ये जो दो मेन कंपाउंड है दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बैड फ्लेवर इन योर चॉकलेट। सो विद दिस आई विल लाइक टू एंड टूडेज लेक्चर। आई होप इफ यू लाइक द वीडियो आपको कुछ जानने को मिला होगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। विद दिस आई विल से थैंक यू वेरी मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ, थैंक यू।